इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसके बॉर्डर्स से मुतालिक पढ़ेंगे, यानी कि हर टेबल जो होता है उसका एक बॉर्डर होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है। उस बॉर्डर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसको आज हम सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। इससे पहले जो हम टेबल क्रिएट करते थे वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए अपने रोज़ एंड कॉलम्स को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ड्रा टेबल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना टेबल ख़ुद से ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आपने जो है यहाँ से ये आपकी जिस तरह आपने माउस से इस तरह ड्रैग करना है, ये आपकी एक रो ये आपने कर ली। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप मज़ीद कॉलम्स बना सकें, उसके लिए आप इस तरह से इसके अंदर कॉलम बना सकते हैं। अब आप एक मज़ीद रो इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ये आप इसके अंदर मज़ीद रोज ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब ये देखिए टेबल हमने ख़ुद ड्रा किया है, ख़ुद बनाया है, और इसके अंदर कॉलम्स जो हैं वो भी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब ये एक टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके आसपास जो आपको इसका बाउंड्री नज़र आ रही है, ये दरअसल इसका बॉर्डर कहलाता है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा कि आप जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस टेबल से रिलेटेड ये सेटिंग्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगी। टेबल का जो डिज़ाइन है उससे मुतालिक एक रिबन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बॉर्डर स्टाइल का, यहाँ से आप अपने टेबल का बॉर्डर जो है उसका स्टाइल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर बॉर्डर का जो कलर है, जो इसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो अगर आपने चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमने बॉर्डर की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे सेलेक्ट की हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने इस पर तो देखें ये हमने इसका जो अपर बॉर्डर था वो इस तरह से चेंज कर दिया। इसी तरह इसका जो लेफ़्ट बॉर्डर है इसके ऊपर भी आप इस तरह से ड्रैग करके इसका लेफ़्ट बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बॉर्डर्स जो थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर एंड शेडिंग के हवाले से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास और काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर हैं इससे हमारा जो टेबल है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और ज़्यादा उसका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी भी टेबल की जो बॉर्डर सेटिंग्स हैं उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।